बांदा में बेरोजगारों ने केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार के खिलाफ बीती रात कैंडल मार्च निकालकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। बांदा शहर में बीती शाम सैकड़ों की संख्या में नवयुवक बेरोजगार युवाओं ने हाथ में तख्ती के साथ कैंडल, टॉर्च, मोबाइल को जलाकर प्रमुख सड़कों पर निकलकर पैदल मार्च किया, जिसमें केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसकी सूचना मिलते ही प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं के पास भारी पुलिस फोर्स आ गया। बेरोजगार युवकों की भीड़ घंटों नारेबाजी करती रही। उसके करीब एक घंटे के बाद युवा शांत होकर अपने घर लौटे। वहीं बेरोजगारों ने बताया कि इस सरकार ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन यहां के बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही। जगह निकलती है तो निरस्त कर दी जाती है। हम चाहते हैं कि सरकार जो निजीकरण अपनाए हुए है इसको खत्म करे और पढ़े लिखे नवयुवकों को रोजगार दे। निजीकरण और बेरोजगारी पर है। मोदी जी ने जो 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था, उन रोजगारों को हम लोग टॉर्च और कैंडल के माध्यम से ढूंढ रहे हैं। शायद कहीं पर पड़े हों तो हम लोग निकाल लें। क्या मांगे आप लोगों की? हम लोगों की मांग है कि निजीकरण बंद किया जाए और रोजगार हम लोगों को दिया जाए छात्रों को, और उसकी एक गारंटी टाइम सीमा दी जाए। किसी भी रिजल्ट और किसी भी वैकेंसी में ज्वाइनिंग का एक टाइम सीमा होना चाहिए। ये आज छात्र जो नौजवान थे बेरोजगारी को लेकर, सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम 1.25 लाख 1 करोड़ साल में नौकरियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ निजीकरण कर रही है, उसी के विरोध में ये बेरोजगार छात्र जो नौकरियों के लिए दर दर भटक रहे हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज इन लोगों ने कैंडल मार्च निकाला था और सरकार को ये बताया था कि सरकार के इस निजीकरण के विरोध में नौजवान विरोध में है। और अभी तो मात्र ये केवल विरोध दिखाया है कि नहीं, हम आपके साथ इस निर्णय से सहमत नहीं है, और यदि सरकार ने नहीं चेता तो फिर भविष्य में ये और आंदोलन करेंगे। बांदा से जीतू श्रीवास की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। और मैं हूं पूजा। अपने जीवन में हम किसी से बहुत प्यार करते हैं और इस प्यार में जाने अनजाने में हमसे गलतियां हो जाती हैं। कभी कभी हमारे पापा भी हमसे नाराज हो जाते हैं, तो कभी कभी माँ भी हमको बुरा भला कह देती है, कभी छोटा भाई भी बड़े बोल बोल देता है, और छोटी बहन भी रूठ जाती है। जिनसे हम सच्चा प्यार करते हैं वो भी हमसे खफा हो जाते हैं। तो न्यूज बीके आपके लिए लाया है थैंक यू न्यूज बीके। तो बस अपने एहसास को न्यूज बीके के माध्यम से अपनों से अपनों तक पहुंचाइए। थैंक्स न्यूज बीके।